लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। देखते हैं आज की बड़ी खबर। नई दिल्ली के सबसे बड़े लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के वार्ड में एक महीने से 2.5 साल का मासूम फरहान जिंदगी से संघर्ष कर रहा है। इस दिल्ली के खजूरी में रहने वाले अशफाक ने अपने बेटे फरहान को 24 दिसंबर की रात बेहोशी की हालत में अस्पताल में एडमिट कराया था। कुछ दिन वहाँ इमरजेंसी वार्ड में रहा, लेकिन 7 दिन पहले उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर किशोर सिंह के मुताबिक फरहान का ब्रेन डेड हो चुका है, उसके जीने की उम्मीद नहीं रही। वेंटिलेटर नहीं मिला, इसलिए मासूम को 7 दिन से अबू बैग से ऑक्सीजन दे रहे परिजन। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए।